नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तहसील कार्यालय में पदस्थ डीडर ने तहसीलदार में डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली पुलिस ने डीडर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। वहीं कोतवाली TI संतोष सिंह चौहान के मुताबिक तहसीलदार निधि चौकसे के प्रतिवेदन पर तहसील में पदस्थ डीडर राहुल पिता अशोक काजले ने लगभग 6 से 7 राजस्व प्रकरणों में तहसीलदार के बिना संज्ञान में जानकारी दी है। कुछ तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर कर उसका दुरुपयोग किया है। बताया जा रहा है कि यह राजस्व प्रकरण बंटवारा नामांतरण राजस्व वसूली के प्रकरणों में बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज होते ही रीडर को तत्काल तहसील प्रभाव से हटा दिया गया है, परंतु बताया जा रहा है कि डिजिटल साइन की पूर्ण जिम्मेदारी अधिकारियों की रहती है, पर गाज कर्मचारियों पर क्यों? जबकि तहसीलदार निधि चौक से होशंगाबाद की रहने वाली है, इनकी पदस्थापना क्यों इनके शहर में हुई? यह जन चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मजबूरी है प्रशासन की? अब देखना यह है कि कार्रवाई बाबू पर ही होगी या तहसीलदार मैडम पर भी। होशंगाबाद से मुकेश दुबे की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।